हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की और आइसोमेरिज्म में अपन डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में कि ये कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो होगी या नहीं होगी, ये हम एक्चुअल में कैसे एग्जामिन करेंगे कंपाउंड्स को देख के, लेबोरेटरी में कैसे चेक करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट एग्जाम में हमें कंपाउंड को देख के एग्जाम में चेक करना है कि उस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं। इसके लिए अपने को सिमेट्री चेक करनी थी, सिमेट्री अवेलेबल है या नहीं। सिमेट्री है किसी भी टाइप की तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, और अगर सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऐसी अपन ने चर्चा करी थी। क्लियर? अब बात आती है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है उसका क्या मीनिंग है, और एक्चुअल में इन लेबोरेटरी, इन रियल लाइफ में अगर बात करें तो किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में बात स्टार्ट करते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन के अंदर बात करें तो अपन बोलते हैं कि एक कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर सेम है, एटम्स का ओरिएंटेशन भी सेम है, डिफरेंट जो है वो सिर्फ ये होता है कि 3D के अंदर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है, और वो अरेंजमेंट डिफर इस चीज में है कि जब उस डिफरेंट अरेंजमेंट वाले दो कंपाउंड्स को हम PPL के प्लेन को गुजारते हैं उस सब्सटेंस के अंदर से, तो उन दोनों कंपाउंड का PPL को रोटेट करने का डायरेक्शन अलग अलग होता है। अगर ऐसा कोई दो कंपाउंड कर रहे हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो नहीं शो कर रहा है, और उसके अंदर से जब अपन प्लेन पोलराइज लाइट जिसको PPL बोलते हैं, आज की क्लास में समझेंगे प्लेन पोलराइज लाइट होती कैसे है, जनरेट कैसे होती है, बनती कैसे है हमारी नॉर्मल लाइट से। क्लियर? ये बेसिस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, PPL। तो कोई भी कंपाउंड उसके अंदर से PPL को गुजारते हैं, और गुजारने के बाद वो PPL को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, इस आधार पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिसाइड करते हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो अपन कहते हैं 100% ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर रोटेट नहीं करता है तो अपन बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो आओ जरा चर्चा करते हैं कि ये PPL क्या होता है और किस तरीके से एक्चुअल में, इन रियल में, या बात करें प्रैक्टिकली अपन कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने की बात कर सकते हैं। चलिए, PPL को समझने से पहले हमें जो नॉर्मल लाइट है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लाइट, उसके बारे में बच्चों समझना होगा। वैसे तो फिजिक्स में इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया आपको यहां पर भी आना चाहिए। देखिए, एक जो डिफ्यूज लाइट होती है, नॉर्मल लाइट होती है बच्चों, उसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि ये लाइट मान लीजिए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये ओरिजिन सोर्स है और इससे इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो जिस दिशा में लाइट फैल रही है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोपगेशन, परगमन की दिशा या संचरण की दिशा। हिंदी में मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में यहां जानना पड़ेगा बच्चों, ये मेरी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कि इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है। अब जो हमारी डिफ्यूज नॉर्मल लाइट होती है किसी भी लाइट सोर्स से, ट्यूबलाइट से, सोडियम लैंप या सनलाइट, जो भी तो नॉर्मल लाइट है, उसमें क्या होता है कि ये जो प्लेन है, जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं बोलूं कि ये इसका परपेंडिकुलर, मैंने इसको इस तरफ लिटा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के हर पॉसिबल डायरेक्शन में, जो कि इसके साथ 90 डिग्री पर हो, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट का कंपोनेंट होता है। ये 90 डिग्री है, मैं बोलूं कि ये 90 डिग्री है, हर पॉसिबल डायरेक्शन 3D के अंदर जो इस प्रोपोगेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये जैसे परपेंडिकुलर है ना, जैसे इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, तो इसके साथ हर वो पॉसिबल डायरेक्शन, जैसे ये लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इसके साथ जो भी 90 डिग्री के एंगल है, ये 90 डिग्री है, इधर ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है,
ठीक है, यहां लाइट रहती है। मतलब इसको मैं अगर थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं यूं बोलूंगा कि जो हमारी नॉर्मल डिफ्यूज लाइट है, जो किसी भी लाइट सोर्स से निकलती है, उसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट का कंपोनेंट होता है, घटक होता है। इसलिए किसी भी एक लाइट सोर्स से उसके चारों ओर हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने यहाँ ट्यूबलाइट जलाई या मैंने यहाँ कोई भी लैंप रखा तो इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो लाइट है और बाकी तरफ शेड अंधेरा है, ऐसा नहीं होता। एक लाइट सोर्स के चारों ओर इक्वली पूरे 3D के अंदर लाइट होती है, रोशनी होती है, क्योंकि वो हर में जो है कोई न कोई अपना कंपोनेंट घटक रखती है। तो ये हमारी नॉर्मल या डिफ्यूज्ड लाइट है। और बच्चों इस लाइट को किसी भी मैं एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारूं, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल बताऊंगा, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारूं और इस इंस्ट्रूमेंट से गुजारने के बाद इसमें से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये पर्टिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ये तो इसे पास आउट हो जाए और बाकी सारे कंपोनेंट, यहां मैंने कोई भी लाइट सोर्स ले लिया, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर जनरली जो लेते हैं सोडियम लैंप ले लिया, सोडियम लैंप मैंने लिया और ये लाइट निकाल रहा है, ये हर कंपोनेंट में लाइट निकाल रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट निकाल रहा है। और इसमें से मान लीजिए जो मैंने सेलेक्ट किया ये कंपोनेंट ही इसे ट्रांसमिट हो रहा है, मान लीजिए ये लाइट का एक पुंज आया, इसमें से सिर्फ ये कंपोनेंट बाहर निकला, फिर एक लाइट सोर्स का पुंज आया, इसमें सिर्फ ये जो कंपोनेंट है यही बाहर निकला, फिर एक लाइट पुंज आया, इसमें से सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बाहर निकला, फिर एक लाइट पहुंच जाए, लगातार आ रहा, बहुत स्पीड से आता है। तो इसमें जो ये पर्टिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट पास आउट हो गया, बाकी सारे कंपोनेंट इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रोक लिए गए। ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है कैसे बनता है या फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, मैं अभी इसके बारे में ब्रीफ करूंगा, बट एक पर्टिकुलर दिशा वाले घटक कंपोनेंट तो इस एपरेटस से बाहर निकल गए, बाकी सब रोक दिए गए। इसको हम बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको बोला डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड मतलब विसरित, जो चारों ओर फैली हुई है, जैसे हम कोई इत्र छिड़कते हैं वो चारों ओर फैलता है, क्योंकि वायु चारों ओर होती है, उसका विसरण डिफ्यूजन हमेशा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। विसरण की एक जो घटना होती है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन जब भी होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। इसलिए इसमें क्या है, हर दिशा में लाइट का घटक है, इसलिए इसको हमने बोला डिफ्यूज्ड लाइट या विसरित प्रकाश। और इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से गुजरने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट ने ऐसा कुछ किया जिससे कि बाकी सारे घटक रोक लिए गए, सिर्फ यही घटक इससे ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसको मैंने बोला समतल दुर्वित प्रकाश हिंदी में, इंग्लिश में बोला PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। और ऐसा करने वाला ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में बताने वाला हूं, इसको बोलते हैं ध्रुवक या पोलराइजर, क्योंकि इसने लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ध्रुवित कर दिया। यहां कोई डायरेक्शन नहीं थी, हर डायरेक्शन में लाइट थी, अब पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला ही घटक बच रहा है ना, इसको बोल दिया ध्रुवक या पोलराइजर, पोलराइजर इसको बोल दिया, क्योंकि इसने लाइट को पोलराइज कर दिया। ठीक है, अब ये पोलराइजर क्या होता है और ये लाइट को कैसे पोलराइज कर पाता है, तो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट निकली, इससे यहां पर लाइट का एक पुंज आया, इसमें सारे कंपोनेंट इन ईच पॉसिबल डायरेक्शन कंपोनेंट्स आर देयर। इस लाइट को अपने बोला डिफ्यूज लाइट, इसको एक एपरेटस से गुजारा और गुजारने के बाद कोई भी एक घटक, मान लीजिए अगर ये निकले तो सारे यही वाले निकलेंगे। ठीक है, अगर अपन ने निकाला तो इसको अपन ने बोल दिया सिंपल समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि इसमें अब एक ही घटक है, तो एक घटक है लाइट का वो पर्टिकुलर एक प्लेन में ही रहेगा, इसलिए इसको बोला समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमारी लाइट का एक पर्टिकुलर प्लेन वाला कंपोनेंट ही पास हो रहा है। क्लियर, अब तक हमारे को ऑप्टिकल कंपाउंड से कोई लेना नहीं, सिंपल बात कर रहे। और ऐसा जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हुआ इसको पोलराइजर बोला। अब पोलराइजर ऐसा क्या होता है पोलराइजर में कि वो इस लाइट को इस लाइट में कन्वर्ट कर पाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए पोलराइजर क्या करता है, मैं बताता हूं आपको पोलराइजर की भूमिका के बारे में। एक्चुअली पोलराइजर जो है वो निकोल प्रिज्म, ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्रिज्म होता है, प्रिज्म के बारे में ऑप्टिकल ऑप्टिक्स में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, निकोल प्रिज्म होता है। इसमें होता क्या है बच्चों, बेसिकली क्या होता है कि
कंपाउंड की लेयर्स होती है जिनको कनाडा बालसम से अपन जोड़ के रखते हैं, ये एक लेयर ठीक है प्रिज्म की, और ये दूसरी लेयर, ये तीसरी, ऐसे लेयर्स बना के इसको बनाते हैं, जैसे ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, लेयर्स में सब्सटेंस होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, और उनको कनाडा बालसम से आपस में अटैच कर दिया जाता है ना, परतीय संरचना होती है इसकी, और अलग अलग लेयर्स को बीच में से यूनाइट कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, और उसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। ये निकोल प्रिज्म हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में दो रोल, डबल रोल प्ले करेगा, ये पीपीएल सिंपल लाइट को पीपीएल लाइट में कन्वर्ट भी करेगा, प्लस ये एग्जामिन करने में भी सक्षम है कि आपने जो सिंपल लाइट है उसको पीपीएल में कन्वर्ट किया है वो पीपीएल में प्रॉपर कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लस ये इस बात को एग्जामिन करने में भी सक्षम है कि अगर कोई ऑप्टिकल कंपाउंड बीच में रखा, और मैंने बोला कि ऑप्टिकल कंपाउंड क्या होता है जो पीपीएल को पर्टिकुलर दिशा में घुमा देता है, तो कितने डिग्री से घुमाया, इसके लिए भी हम इसको ही यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मैं पहले इसको एज ए पोलराइजर काम में ले रहा हूं, पोलराइजर ध्रुवक के तौर पर, ये कैसे काम करेगा पोलराइजर के तौर पर ये हम चेक करते हैं। देखिए क्या हुआ, यहां पर मेरे पास ये एक सोडियम लैंप है जो हर दिशा में लाइट बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ये मेरा सोडियम लैंप है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, और यहां जो लाइट निकली इसका हर दिशा में घटक है, इसलिए मैंने इसको बोला डिफ्यूज्ड लाइट, इसको मैंने बोला डिफ्यूज्ड लाइट बच्चों, विसरित प्रकाश। अब क्या होगा, देखिए मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए ये जो सब्सटेंस है इसमें क्रिस्टल्स हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक है, इस तरीके से क्रिस्टल्स हैं, इधर से लाइट का कंपोनेंट आ रहा है। अब अगर ये लाइट का कंपोनेंट, ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके समानांतर आया, तब तो दो क्रिस्टल, दो लेयर्स के बीच में जो गैप है जहां से कनाडा बालसम से अपन ने ज्वाइन कराया उनके बीच में से घटक निकल जाएगा, कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो लेयर्स है इनके साथ किसी भी एंगल पर कंपोनेंट आया तो आप, वो क्या होगा, कंपोनेंट इसके पैरेलल नहीं है तो यहां से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और इसमें से पार नहीं होगा, फिर अलग डायरेक्शन में, एक बार आप इधर आइएगा, इस तरीके से पकड़ लीजिए सीधे हाथ से, आप देखिएगा मैं हेल्प ले रहा हूं, इस तरीके से लेयर है और मान लीजिए ये कंपोनेंट ट्रांसमिट हुआ और ये इसके हाथ की हथेली की जो लेयर्स की डायरेक्शन है इसके समानांतर ही आया तो इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा, और अगर इसके साथ तिरछा आता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये इनसे रोक दिया जाएगा, इतना गैप नहीं होता, गैप कम होता है, ठीक है, फिर कोई मान लीजिए इस तरीके से तिरछा आया वो भी रोक लिया जाएगा, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर वो भी रोक लिया जाएगा, फिर से कोई कंपोनेंट वापस घूम के ऐसे वाला आएगा तो वो क्या होगा, इसमें से पार हो जाएगा, फिर ऐसा आएगा वो पार हो जाएगा, फिर जो तिरछा आएगा वो रोक लिया जाएगा। तो जब यह नॉर्मल लाइट है जिससे हर कंपोनेंट वाली लाइट आ रही है, ऐसी आ रही है रुक गई, ऐसी आ रही है पार हो गई, फिर ऐसी आ रही है पार हो गई, फिर ऐसी लाइट आ रही है रोक ली गई, फिर ऐसी आ रही है पार हो जाएगी, मतलब नॉर्मल लाइट से, जो नॉर्मल लाइट है इस नॉर्मल लाइट से जैसे ही जो आपका निकोल प्रिज्म है उसकी जो क्रिस्टलीय परतें हैं उसके समानांतर लाइट आएगी वो वाला प्लेन तो पार चला जाएगा, बाकी सारे घटक, बाकी सारे कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल लाइट रोक दिए जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। इसलिए मान लीजिए ये वाले कंपोनेंट के समानांतर ये लेयर है और यहां से गुजरने के बाद मेरे पास इस तरीके से ये वाले कंपोनेंट पास हुए, सिर्फ समानांतर समानांतर वाले कट ऑफ जो आपके कंपोनेंट से वो पास हुए, इसको मैंने बोला पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, इसको मैंने बोला प्लेन पोलराइज लाइट, क्लियर गाइस। अब देखिएगा ये आपकी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो गई है, अब हम क्या करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए बच्चों, क्या करेंगे, सिंपल लाइट को अपन इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब हमारे पास यहां पर्टिकुलर जो एक ट्यूब होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की, जिसके अंदर जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना होता है वो भरा हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब,
पोलरीमीटर नली, इसमें वो पदार्थ है जिसकी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, सब्सटेंस को मुझे चेक करना है, आइदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। लिक्विड फॉर्म में इसका सॉल्यूशन ले लेंगे और इसके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हम ग्राम पर एमएल में लेंगे, जो भी वैल्यू लेनी है कंसंट्रेशन से इसको सॉल्यूशन को भर देंगे और इसका नाम हमने बोला पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब लिया और इसके अंदर से हम पीपीएल को गुजारेंगे, इसके अंदर से यहां जो इसके अंदर उस पदार्थ को भर दिया और पोलरीमीटर ट्यूब की यहां पर जो ये लेंथ है इसको मान लिया एल और इसकी कंसंट्रेशन को मान लिया सी, जिसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है। अब देखिए बच्चों, ये पीपीएल सिंपल लाइट इसके अंदर से गुजरेगी और गुजरने के बाद दो सीन होंगे, इससे नॉर्मल पीपीएल लाइट गुजरेगी, गुजरने के बाद दो में से एक संभावना होगी। क्या संभावना होगी? या तो आपकी ये जो पीपीएल की लाइट है इसका प्लेन बिना किसी एंगल पर रोटेट हुए उसी डायरेक्शन वाला प्लेन एज इट इज ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी पीपीएल का जो प्लेन इधर था इसे गुजरने के बाद एज इट इज वही प्लेन रहेगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं आया, तब तो अपने बोल देंगे ये जो सब्सटेंस, यहां जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो सब्सटेंस हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऐसा कैसा आ गया तो यहां जो सब्सटेंस भरा हुआ है इस केस में इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सब्सटेंस आपका एक्टिव नहीं है क्योंकि इसने पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि अगर इस लाइट को इस पीपीएल को इसमें से गुजरने के बाद पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, अब रोटेट करने की दो संभावना है कि या तो ये लाइट को जैसे ऐसे प्लेन था इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, मैं टिक टिक से बता रहा हूं, ये इधर नहीं घूमती तो इधर रहती, इसको इधर घुमा दिया, इधर रोटेट कर दिया, जैसे अगर नहीं घुमाती, मान लीजिए अगर नहीं घूमता तो लाइट इस दिशा में रहती और इससे इतनी इधर घूम गई, सारे कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर एंगल पर घूम गए, ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन जिसको अपन अल्फा बोलते हैं, इतने एंगल से रोटेट कर दिया, या तो इधर रोटेट करेगा, या मैं बात करूं बच्चों दो ही संभावना होगी, या तो इधर रोटेट करेगा या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइट का नॉर्मल प्लेन था और इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री घुमा दिया। ठीक है, ये नॉर्मल लाइट थी जो भी आप ऊपर देख रहे हो, या तो लाइट एज इट इज होगी या फिर लाइट को इस डायरेक्शन में या फिर लाइट को इस डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाएगा। अगर लाइट किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमी तो इसको तो अपन ने बोल दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर लाइट घूम गई तो सब्सटेंस या ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों में से एक ही काम करेगा, यहां जो सब्सटेंस भरा हुआ है या तो ऑप्टिकली इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, इसको बोलेंगे डी, इस सब्सटेंस को बोलेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव है और इसको नाम देंगे डी, डी इसलिए बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको शॉर्ट में नाम दिया स्मॉल डी, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो आपने ये नाम दिया, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल के प्लेन को घुमाता है तो इसको नाम दिया अपन ने लिवो रोटेटरी, शॉर्ट में नाम दिया एल। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, लाइट को या तो इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो या इस डायरेक्शन में घुमाएगा, और जो एंगल पे घुमाया इस एंगल को अपन ने बोला अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन, कि इतने एंगल पर रोटेट कर दिया। ठीक है, इसके बारे में भी एंगल के बारे में अपन जानेंगे। अब सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो यूं बोलूंगा बच्चों, देखिएगा क्या मैं इस पूरी स्टोरी को वापस रिपीट करें, हमारे पास एक नॉर्मल सोडियम लैंप था, इससे ऐसी नॉर्मल लाइट निकलती जिसको डिफ्यूज लाइट बोला, एक अपैरेटस से गुजारा जिसका नाम पोलराइजर है, मैंने समझाया आपको किस तरीके से पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को पास करता है, इसको नाम दिया पोलराइजर, और यहां से नॉर्मल एक घटक वाली लाइट बाहर निकली, इसको बोला पीपीएल। अब जिस पदार्थ की मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उसको मैंने भर दिया पोलरीमीटर ट्यूब में,
पोलरीमीटर ट्यूब में, और पोलरीमीटर ट्यूब में भरने के बाद मैंने इसके अंदर से इस पीपीएल को गुजारा, और गुजारने के बाद दो संभावना होगी, या तो पीपीएल नहीं घूमेगा या फिर घूमेगा। नहीं घूमेगा तो एक ही संभावना है, नहीं घूमेगा वैसा का वैसा रहेगा। अपन बोल देंगे सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, डाइस्टीरियोमर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और घूमेगा तो दो संभावना है, इधर लाइट थी, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा डी, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा एल, और जितने एंगल से घूमेगा उसको बोल दिया एंगल ऑफ रोटेशन, कि हमारा जो पदार्थ है जो पोलरीमीटर ट्यूब में भरा हुआ है उसने अल्फा डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। और अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा डिग्री से घुमा दिया तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव लिवोरोटेटरी या एल है। और इन दोनों को, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे ये एक किरेल सब्सटेंस है, किरेल है इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, इसके अंदर से जब मैं पीपीएल के प्लेन को गुजारूंगा और इसने मान लीजिए डी घुमा दिया लाइट को, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो डेफिनेटली लाइट को अलग डायरेक्शन में घुमाएगी। अगर इसने डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाया है तो वो लेवो रोटेटरी बनाएगा, और वो दोनों सब्सटेंस जो एक डी घुमा रहा है और एक एल घुमा रहा है, इनको आपस में बोलते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, कि एक सब्सटेंस ऐसा है जो लाइट के प्लेन को घुमाता है, अगर घुमाता है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, घुमाएगा तो डी में होगा। अगर कोई पदार्थ जो कि काइरेल है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर वो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी में घुमाता है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी, कांच में उसकी जो फोटो होगी, वो उसको एक दूसरे से सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होगी, तभी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सुपर इंपॉसिबल नहीं होगी, और इसके साथ साथ वो पीपीएल को अलग डायरेक्शन रोटेट करेगी। अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये 100% कंफर्म है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। मतलब जो भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो खुद और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होते हैं, एक डी घुमाता है एक एल घुमाता है, और इन दोनों को जो कि लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, एक इधर घुमा रहा है एक इधर घुमा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं, इन दोनों सब्सटेंस की जोड़ी को बोलते हैं एनेंशियमर पेयर, एनेंशियमर युग्म, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी युग्म, क्योंकि ये बिंब और ये इसकी फोटो प्रतिबिंब, इसलिए जो एनेंशियमर्स होते हैं वो हमेशा एक की मिरर, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक बिंब में एक प्रतिबिंब में, एक ऑब्जेक्ट एक मिरर इमेज है, अगर ये डी घुमाता है दूसरा एल घुमाता है, इसलिए या तो अगर कोई पदार्थ खुद डी है तो पक्का पता है कि उसकी मिरर इमेज एल होगी, और खुद एल है तो मिरर इमेज डी होगी। लेकिन किसी भी पदार्थ की शक्ल देख के हम कभी बच्चों ये नहीं बता पाएंगे कि ये डी है या एल है। हाँ, ये डी है तो इसकी मिरर इमेज एल होगी, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो, अगर ये एल है तो इसकी मिरर इमेज डी होगी, उल्टा होगा। बट किसी भी कंपाउंड की बिना लैब में लेकर जाकर के ऐसा कोई अपरेटस नहीं है जो अपने को ये बता दे कि ये डी घुमाएगा या एल घुमाएगा, उसके लिए तो हमें ये एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा और फिर रोटेशन ही देखना पड़ेगा कि डी है या एल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। अब बच्चों इस पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे मान लीजिए पीपीएल के प्लेन को इसने रोटेट किया या नहीं किया, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही जो निकोल प्रिज्म था उसका एक बार दोबारा यूज लेते हैं। ये मैंने निकोल प्रिज्म इसके सामने से, ये जैसे मान लीजिए नॉर्मल लाइट थी आपकी अनडिफ्यूज, मैं चेक करना है, अब मुझे एनालाइज करना है कि मैंने जो सोचा है कि भाई पीपीएल को लाइट सामने से गुजरी वो पीपीएल घुमा या नहीं घुमा, घुमा तो कितने डिग्री से घुमा, ये चेक करने के लिए वापस से इसके सामने नए सिरे से एक दूसरा निकोल प्रिज्म लगा होता है। इस बार उसका भूमिका अलग अलग होती है, इसके सामने जो निकोल प्रिज्म लगा होता है कनाडा बालसम जुड़ी हुई लेयर्स, उसको हम एज इट इज, उसी को एज इट इज काम में लेते हैं जिससे हमने इसको पोलराइज किया था, और इसके बैक साइड में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने पर पीछे की तरफ लाइट आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन वहां से ट्रांसमिट हुआ था वो एज इट इज पार हो गया। इसका मतलब यही है कि जो लाइट जैसी आपने उसमें से पोलराइज करी थी एज इट इज वैसे ही पड़ी है, इस तरफ लाइट आ गई, ठीक है। और जैसे ही इसको आप रोटेट कर दोगे तो क्या, सिंपल एक घटक वाली लाइट आ रही थी, इसको आपने रोटेट कर दिया तो क्या होगा, वो सिंपल जो घटक था वो रुक जाएगा और यहां पर डार्कनेस आ जाएगा। यानी यहां जो, समझना बात को,
ये जो आपका निकोल प्रिज्म था, इसके इसी प्लेन को बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसी सेम प्लेन के अंदर मैंने दूसरा निकोल प्रिज्म लिया बिना एंगल पर रोटेट किए हुए, और इसके बैक साइड में लाइट आ जाए, इसका मतलब उसने जिस दिशा वाले घटक को भेजा है वो प्लेन एज इट इज पड़ा है, वो रोटेट नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा लाइट था उसने ट्रांसमिट किया और सब्सटेंस गुजरने के बाद भी ऐसा ही है, तभी तो इसके अंदर से आराम से पार हो रहा है। अगर ये लाइट घूम जाती तो उस निकोल प्रिज्म से जो पहले इसे ट्रांसमिट हो रहा था, मान लीजिए लाइट ऐसी थी तो पार हो रही थी। अब आपने या तो निकोल प्रिज्म घूम जाए या फिर लाइट घूम जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इसके समानांतर नहीं रहेगी और ट्रांसमिट नहीं होगी। तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कनाडा बालसम ऐसा वाला लिया मैंने निकोल प्रिज्म और लाइट भी एज इट इज ऐसी वाली है, पीपी ऑप्टिकल पदार्थ जिसकी अपन एक्टिविटी चेक करते हैं उसके अंदर से गुजरने के बाद भी उसी प्लेन से बाहर निकल रही, इसका मतलब उसका प्लेन रोटेट नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे ही इसको आप हल्का सा रोटेट कर दोगे निकोल प्रिज्म को, तो क्या होगा, वो प्लेन तो एज इट इज आ रहा था, आपने इसको घुमा दिया तो अब इसे ऑब्लिकली आएगा, तिरछा आएगा, इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि इसे गुजारने के बाद अगर प्लेन एज इट इज ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो अब दोबारा जब आपने लगाया ये निकोल प्रिज्म और एज इट इज ट्रांसमिट हो गया, इसका मतलब पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं किया है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इसका और कंफर्म करने के लिए इसको आप रोटेट इसको रोटेट कर दीजिए, किसको, निकोल प्रिज्म को, और आप घुमा के जैसे ही वापस 180 डिग्री से घुमाएंगे तो वापस जैसे ऐसे है, घटक तिरछा हो गया, ऐसे था, आपने कनाडा बालसम को तिरछा कर दिया निकोल प्रिज्म को, तो इसके पैरेलल नहीं आएगा, लेकिन घूम के जैसे ही वापस 180 डिग्री से आएगा दोबारा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये जिस भी एंगल से आपने घुमाया ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, इसके सामने आपने निकोल प्रिज्म लगाया और यहां पर लाइट नहीं आ रही क्योंकि आपका जो प्लेन था अब जो पीपीएल गुजरा वो वैसा नहीं रहा क्योंकि पदार्थ ने उसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अब पैरेलल नहीं है। लेकिन जैसे ही कनाडा बालसम को आप घुमा के कोई थीटा डिग्री घुमाओगे तो घुमा हुआ लेयर है जो उसके पैरेलल आ जाएगा, इस कंडीशन में यहां पर लाइट नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये रोटेट हो रहा है और रोटेट होके लाइट जो घूमी हुई है, घूमी हुई जो लाइट है इसके समानांतर वाला प्लेन आ जाएगा, तो फिर वो वापस ट्रांसमिट हो जाएगा और वापस घुमा दोगे तो लाइट आना बंद हो जाएगी। यानी अब अपन एनालाइज करके ये बता रहे हैं कि वो कितने डिग्री से घुमा, इस सब को अरेंज करके एक कॉमन एपरेटस अगर मैं बनाता हूं तो उसको पोलरीमीटर कहते हैं। पोलरीमीटर उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है सारे एपरेटस का बताता हूं। सबसे पहले यहां पर एक लाइट सोर्स होता है जिससे सिंपल डिफ्यूज लाइट ट्रांसमिट होती है, सोडियम लैंप लीजिए कोई भी। उसके बाद पोलरीमीटर होता है, पोलरीमीटर में सबसे पहले यहां लगा होता है क्या, जो पीपीएल में कन्वर्ट करेगा, मैंने बोला इसको एनालाइजर, सॉरी पोलराइजर, क्लियर। और इसके सामने मेरे पास एक यू एक ट्यूब लगी हुई है, इसको अपने बोला पोलरीमीटर ट्यूब। इसके अंदर आपका जिस पदार्थ की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है वो सब्सटेंस मिक्स कर दिया, और इसके जस्ट आगे वापस से वो आपका निकोल प्रिज्म लगा हुआ है और इस पे सारे एंगल मेंशन है, जैसे यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सारे एंगल महसूस है, ताकि वापस इसको रोटेट करके अपन प्लेन में लाएंगे तो पता चलेगा कितने डिग्री रोटेट करने पर जो है, इधर इसका प्लेन लिया अपन ने, इधर इसका प्लेन लगा और इधर लाइट नहीं आ रही है, लेकिन थीटा डिग्री घुमाने पर वापस समानांतर लाइट हो जाएगी और लाइट आ जाएगी, तो कितने डिग्री घुमाने पर लाइट वापस इसके बैक साइड में आ गई है, उससे अपने को पता चल जाएगा कितने डिग्री पर घुमाया है। इस पूरे एपरेटस को यहां से लेके यहां तक मैं एक डिवाइस बोलता हूं, उसको बोलते हैं पोलरी मीटर, क्लियर। और पोलरी ये लाइट यहां से अपनी लाइट को पीपीएल बनाता है, इसलिए इसको बोला पोलराइजर। यहां ये चेक करके बता रहा कितने डिग्री पर घुमा, इसको बोलते हैं एनालाइजर, इसको बोलते हैं एनालाइजर। और एनालाइजर से अपन एनालिसिस करते हैं और ये बताते हैं कि आपका ऑप्टिकल सब्सटेंस एक्टिव है या इनएक्टिव है, पीपीएल को घुमाया या नहीं घुमाया, घुमाया तो कितने डिग्री से घुमाया, वो एंगल यहां से पता चल जाएगा। और मान लीजिए अल्फा एंगल से घुमाया, अल्फा जो एंगल है इसको अपन ने बोला एंगल ऑफ रोटेशन, इसको अपन ने बोला एंगल ऑफ रोटेशन,
और ये जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो बच्चों डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है इस लाइट के लैम्डा के ऊपर, इस लाइट के लैम्डा के ऊपर, इस पॉलरीमीटर में जो सब्सटेंस भरा हुआ है उसकी नेचर पर कि कितने डिग्री घुमाने वाला, नो डाउट अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस एक ही सेम लाइट को कोई 15 डिग्री पे घुमा रहा है, कोई 20 डिग्री पे घुमा रहा है, कोई क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा, इसकी यहाँ जो सब्सटेंस बना है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, पॉलरीमीटर ट्यूब की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, इन सब पर डिपेंड करता है। तो अपन बोले एंगल ऑफ रोटेशन जिसको अपन ने अल्फा बोला, अल्फा जो है किस किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, थोड़ा सा थियोरिटिकल बात है, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस जो किसमें भरा है, इन पॉलरीमीटर ट्यूब, इसके अंदर जिसकी अपने को नेचर चेक करनी है, नंबर टू। नंबर थ्री कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस जो पॉलरीमीटर ट्यूब में भरा है उसकी कंसंट्रेशन पर, और फोर्थ डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पॉलरीमीटर ट्यूब, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस एंगल, चूंकि अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्या कर सकते हैं, मेरे को एक ही पदार्थ है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी, मैं अगर ट्यूब अलग अलग तरह की ले लूंगा तो उसी पदार्थ का एंगल ऑफ रोटेशन अलग अलग आ जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरेज में हमारा मेन मकसद जो है, जो यहां पर मटेरियल भरा है, यहां जो मटेरियल भरा है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, तो हम कंसंट्रेशन सेम नहीं भर सकते, हम ट्यूब की लेंथ अलग अलग नहीं ले सकते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहां जो पदार्थ की नेचर है उस नेचर के बदलने से एंगल कितना बदलता है, ये चीज हमें चेक करनी होती है हमेशा। तो इसलिए हमने एक नया टर्म लेके आया है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन में मैं जो बात बोलूं, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने कॉमन सोर्स ले लिया सोडियम लैंप, और मेरा सोर्स फिक्स है, तो एक सोर्स की वेवलेंथ फिक्स होती है, ये मैंने फिक्स कर दिया, नेचर मेरे लिए अलग अलग चेक करना है, कंसंट्रेशन मैंने फिक्स कर दी कि मेरे पास 1 ग्राम पर ml होनी चाहिए, जो भी सब्सटेंस मैं कंपेयर करने के लिए लूंगा एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू बताऊंगा स्टैंडर्ड सबके लिए, सबकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml लूंगा, 1 ग्राम पर cm³ लूंगा CGS में, और पोलरीमीटर जो ट्यूब है, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्यूब होती है ना, इसकी जो मैं लेंथ लूंगा वो ऑलवेज 1 dm लूंगा, 1 dm लूंगा, ये स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, और ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद ओके, ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो हमारे पास एंगल ऑफ आएगा, अब वो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, देखो मैंने क्या क्या फिक्स कर दिया उसे देखना, लाइट यहां मैंने सबके लिए क्या ले लिया, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप ले लिया, तो सबके लिए सोर्स कॉमन हो गया, सोर्स कॉमन हो गया, अब एक सोर्स की वेवलेंथ सेम होती है, अलग अलग सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, फिक्स कर दिया बच्चों। नेचर मुझे चेक करनी है कि भाई एक पदार्थ है ये इतने डिग्री से घुमा रहा है, ग्लूकोज इतने डिग्री से घुमा रहा है, तो फ्रक्टोज कितने डिग्री से घुमा रहा है, तो सिर्फ मुझे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का असर देखना है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है कि कौन मतलब पीपीएल के प्लेन को कितने डिग्री से घुमा रहा है, डी घुमा रहा है, एल घुमा रहा है, तो नो डाउट कॉमन सेंस की बात है, बाकी सब सर्कमस्टांसेस फिक्स होने चाहिए, इसलिए हमने बाकी सारे सर्कमस्टांसेस फिक्स करके मैंने क्या किया, एक नई टर्म निकाल दी, उस टर्म को बोला स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, उस टर्म को नाम दिया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा लेके बड़े वाले ब्रैकेट बंद कर दिया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अगर आपको बनाना है तो क्या करना, देखिए मैंने कहा ना बाकी सब चीजें फिक्स कर दो, तो मैंने बोला ये जो मैं लिखूंगा नॉर्मल एंगल ऑफ रोटेशन अपन कंसंट्रेशन डिवाइड में कर दिया यानी 1 मान ली, और आपकी जो लेंथ है पॉलरीमीटर ट्यूब की लेंथ और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मैंने बोला कि ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए और लेंथ है वो डेंसीमीटर से होनी चाहिए, नीचे से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं डिफाइन अगर मैं यहां से करूं तो आपको पता है कि किसी भी चीज को डिफाइन करना हो तो नीचे वाली चीज को 1 मान लीजिए, कंसंट्रेशन मैंने माना 1 ग्राम पर एमएल और लेंथ माना 1 dm,
उस कंडीशन में जो नॉर्मल एंगल होता है वही आपका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बन जाता है। यानी इन स्पेशल कंडीशन पर जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है उसको बोल दिया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलूंगा, कोई भी एक सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल हो, एक डेसीमीटर लेंथ की पॉलीमर ट्यूब में भरा हुआ है, उसके अंदर से जब सोडियम लैंप को गुजारते हैं और सोडियम लैंप पोलराइजर से गुजरने के बाद जो पीपीएल बनता है और पीपीएल के एंगल को जितनी डिग्री से घुमाया जाता है उसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और ये सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करेगा, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। मैंने बताया कि फाइनली क्या, एक लाइट सोर्स, एक ऐसा पदार्थ जो इसमें इस लाइट में सारे घटकों को छान के सिर्फ एक घटक रख लेता है, पर्टिकुलर वाले घटक जाते हैं और उस पदार्थ को पोलरीमीटर ट्यूब में उस पदार्थ को भर देते हैं जिसकी हमारे को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। इसे गुजरने के बाद भी अगर लाइट वैसी है उसे गुजरने के बाद भी, तो इसको अपन बोलते हैं, गुजरने के बाद भी लाइट अगर वैसी है तो अपन इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपाउंड, और लाइट ऐसी थी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम गई तो इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो कि पोलरीमीटर ट्यूब में भरा हुआ है। अगर क्लॉकवाइज घुमाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको अपन ने पॉजिटिव बोला और नेगेटिव, लिवो रोटेटरी को नेगेटिव बोला। एंगल कितना घुमाया इसको हम इस हमेशा जब भी दो पदार्थ के लिए एंगल की अपन बात करते हैं हमेशा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन काम में लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सब्सटेंस की नेचर देखनी है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ का इफेक्ट और लैम्डा का इफेक्ट नहीं देखना। इसलिए अपन बोलेंगे, आपको बोले कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों कई बार बन जाता है, आपसे बोले कि एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये चार चीजें सॉरी लेकिन बच्चों अगर आपसे बोले स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेक करना है तो सिर्फ एक ही चीज पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि बाकी सब चीजें अपन ने कांस्टेंट कर दी। इस तरीके से अगर कोई पदार्थ ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो उसको लैब के अंदर चेक किया जाता है, और अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है यह है एग्जैक्टली इसको हम लैब में जाके चेक करके बता सकते हैं। यह कंफर्म है कि कोई पदार्थ ऑप्टिकल एक्टिव है और वो लाइट को घुमाएगा, कंफर्म है क्लॉकवाइज में, तो उसकी जो कांच वाली फोटो है, मिरर इमेज है, वो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में डी, वो एंटी क्लॉकवाइज में। इसलिए ये खुद और इसकी जो कांच की फोटो है, ये दो पदार्थ ही आपस में प्रकाशिक समावयी होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं, प्रतिबिंब रूप समावयी। इसको इसलिए नाम एनेंशियोमर्स दिया, प्रतिबिंब रूप दिया, क्योंकि ये बिंब और प्रतिबिंब, ये इस ऑप्टिक आइसोमेरिज्म के हिसाब से दो अलग अलग पदार्थ है, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ऐसे सारे पदार्थ जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है वो खुद और उनकी मिरर इमेज आपस में हमेशा एनेंशियोमर्स होते हैं, क्योंकि वो पीपीएल की लाइट को हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बच्चों अब ये चीज चेक कैसे हो, इसके लिए पदार्थ किरेल होना चाहिए, और किरेल होने के साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं है जो पीपीएल की लाइट को घुमाएगा उसको बोलते हैं काइरलिटी प्रेजेंट है, घुमाएगा या नहीं घुमाएगा उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कैसे सिमेट्री चेक करते हैं, ये आप पहले ही जान चुके हैं, यानी हमें पदार्थ की शक्ल देख के पता करना पड़ेगा, क्योंकि लैब वाला ये टेस्ट जो आपको बताया ये हम कंपाउंड की शक्ल देख के नहीं कर सकते, इसलिए हम कंपाउंड की शक्ल के हिसाब से प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ एओएस जाता अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हम चेक करेंगे। किसी प्रकार की सिमेट्री है तो इनएक्टिव होगा, क्योंकि वो फिर कंफर्म बीपीएल के प्लेन को नहीं रोटेट करेगा, और अगर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी, किरेलता उपस्थित होगी, और वो पदार्थ या तो डी होगा या एल होगा। अगर वो डी है तो उसकी कांच में फोटो एल होगी, वो एल है तो उसकी कांच में फोटो डी होगी। ये मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, इसलिए इसको डेफिनेशन बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ जो जिसकी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जिसको पीपीएल का प्लेन पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है, पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और वो खुद और उसकी मिरर इमेज पीपीएल के प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन, अगर खुद इधर रोटेट कर रहे हैं तो मिरर इमेज इस तरीके से रोटेट करेगी। तो ये खुद और मिरर इमेज जो है जो अलग डायरेक्शन रोटेट करते हैं ये आपस में प्रकाशिक समावयी होंगे, ये आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, प्रतिबिंब रूप समावयी होंगे। क्लियर, आगे की चर्चाएं जारी रहेगी, जब तक के लिए जय हिंद जय स्वाभिमान।